नमस्कार, मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आप सबका अपने क्षेत्र में दिखावे चलते हैं कि नदी कैसे नहावा जाता है। बहुत सावधानी से नहा जा, गर्मी का मौसम बहुत शुरुआत हो चुकी है, कटावा वाले पुल पास आज हम खड़ा ही। दिखावे चलते हैं कि हेयर लोकेशन कैसे है, दिखावा यार चार हो रही तो। और हम यहीं नीचे से ऐसे उतरे चलते ही आज ऐसे हवा यार। अरे यार बचा का भाई, हमारे गोड़वा में गिट्टी लागी है, तारकोल लागा है, जहाँ धरते ही चपक जाता है। रुक जा भैया, मस्त पेड़ है, पहले देखा था छावदार वृक्ष। पहले तो देखा भैया हो या को कहीं मिले ना, चाहे कहीं स्विमिंग पूल चला जाएगा, चाहे जहाँ चला जाएगा, यही चीज मिले यस, आनंद तो ना मिले कहूँ, ये बात तो है। देखा था हवा, एक तरफ से अपना अपना नाम बताओ फटाफट। क्या कर रहे हो यार, मछली मारे एक को तोर को तो गर्मी पहने यार, मजा आती है बस। यहाँ ये सिम रहे वाले मनाई को कुंके गर्मत है, तोर को तो गर्मत है ना। वाह दौड़ो 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 दौड़ो, पाती हाँ पाती मिली, पाती छगड़ी खाए ना, बस सही पाती मिली, बहुत साफ है, साफ बात तो छोड़ो। देखा था वातानुकूलित पानी है भैया। भाई साहब ये पेपल का पेड़ है और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। कहो जवानों का नाम है तोरे सबके, आए यहाँ खड़ा हुआ, यहाँ यारी यारी सब जने खड़ा हुआ, का नाम है तोरे सबके, यहाँ खड़ा हुआ, यहाँ का नाम है तोरे सबके, जोर जोर बोला। हाय सत्य कुमार, तोरे सबके ठंडी ना लगती है गर्मी ना है काहे, ये नहाते है ना नदी बामा के नहाते है, केका केका तैरे आवाज बतावा, तू बतावा स्कूल जाता सब जने, कहाँ जाते हैं झूठ ना बोले है, कहाँ भाई स्कूल भाई। अच्छा काव खाता है लालीपॉप, लालीपॉप खाता है, बकरी चरावा था करो। अच्छा ही बतावा हमका जैसे नहाए खोए तो हमें बता देवे कहाँ नहाए कहा है, सही बताया। चलो बस ठीक, हमें तैरे उरे ना आवा जान लिया, ऐसे सब जन ऐसे करा। हेलो भारत माता की जय। कितनी खेती है भैया, यहाँ कोनो चीज की जरूरत नहीं, बस इतनी गर्मी पर है तो जरूर शिमला आटो ही है। ये मैदानी क्षेत्र का शिमला है, ये मैदानी क्षेत्र का शिमला है जहाँ पीपल का वृक्ष हो और जो है प्रकृति बिना लाइट हवा देने वाला वृक्ष है, प्राकृतिक बिजली अपने आप बिजली मैन्युफैक्चर करता है, उसके बाद लोगों को हवा देता है। कौन सा ये एसी है ये बताइए, थोड़ा का वृक्ष, ये प्राकृतिक एसी है, प्राकृतिक एसी, इसमें टाइमर नहीं चलता, इसमें 1000 टन का एसी की हवा देती है, 2 टन की एसी लोग घर में लगाते हैं, इसमें 1000 टन का सिस्टम है। अच्छा यहाँ से 50 फीट नीचे है लगभग नदी, थोड़ा तेज लोकेशन यहाँ का बहुत जबरदस्त जबरदस्त है ना, बहुत जबरदस्त लोकेशन, लेकिन बुढ़ाव के टाइम पे ना भैया दिक्कत बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है यहाँ। अभी तो पानी कम हो गया है, बरसात नहीं है, लेकिन बरसात के समय में यहाँ पे जो है जो सूखा दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है ये बगल में, यहाँ तक पानी आ जाता है, आस पास पहुँच जाता है भैया। यहाँ के लोगों को रहन सहन बहुत ठोस तरीके से है, जीवन एकदम संघर्षमय। कहाँ गहर बाय वारी गहर बाय, तो कहाँ है सही जगह ही, सही जगह ही कहाँ है, यही पे हवा लगी से देखी। जय हो गंगे मैया, जय हो नदी का प्रांगण है, ये नदी का प्रांगण है, बरसात के समय में यहाँ से नदी। यार भाई साहब नहाने का तो मन कर रहा है मेरा,
अच्छा जहाँ गहरा है वहाँ पानी काला नजर आएगा, जाइए नहीं ज़्यादा, जाओ नहीं ज़्यादा आगे शास्त्री, नहीं नहीं हो सकता है गड्ढा आ जाए अचानक से, नहीं नहीं आई विल नॉट गिव यू परमिशन। इतना तो मुझे तैरना आता ही है। आता तो है भाई साहब, यहाँ के सौंदर्य की जो पराकाष्ठा है, कहने का मतलब ये है कि जो नदी है, हालांकि जो पानी है अभी बरसात कम होने की वजह से यहाँ पे पानी का जो जो सफाई होती है वो उस लेवल पे नहीं है जैसे कहते हैं कि बहुत साफ पानी हो, तो बरसात में ये पानी फिर प्योर हो जाएगा। और नहाने का तो क्या है, नहाने तो अभी नहाएंगे नहीं क्योंकि अभी कपड़ा वगैरह लाए नहीं है। नहाने का प्रोग्राम कैंसिल है इसलिए क्योंकि पानी, नहाने का प्रोग्राम कैंसिल करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोग नहा रहे हैं। ये देखो भैया, हम तो है महाराज या भाई, पैर भी लेते हो, पैर की दिखाओ ना जरा, बस ज्यादा आगे मत जाओ, ज्यादा आगे मत जाओ भैया हो, इनके सबके डेर ना लगा, हमारे बहुत डेर लागत तहरे सहूर है ना है, खाली हम खाली पानी के पर बोल सकते पानी के अंदर ना, ये जलचर और लड़के देख ये बच्चे हैं और ये लोग देखो पानी ये बूढ़ते नहीं है, मतलब तैरना आता कितना बढ़िया आता। बस बहुत बहुत मत जाओ आगे, यहाँ आओ, यहाँ आओ, इधर आओ, तोरे सब काव करा थे, हाँ इसे लेट जा, तैरे आवत है लेकिन ज़्यादा पानी में ना तैरा करा। मांगी नाव न केवट आना, कहाँ तुम्हार मरम मैं जाना। तो अगर भगवान राम या अगर रामायण की बात की जाए तो ये जो लोग हैं और इनके जो मतलब जो भी इनके पूर्वज रहे होंगे वो कहीं ना कहीं नदी के साथ इनका सीधा कनेक्शन है, वो छोटे छोटे बच्चों के द्वारा देखा जा सकता है कि ये बच्चे जो है, एक बड़े बड़े आदमी जो है नहाने में डरेंगे लेकिन जो है ये बच्चों में भी डर नहीं है कि गजब का तैरते हैं। और मेरे बस की बात नहीं है, ये बात हकीकत है, मैं खाली ट्यूबवेल में नहा सकता हूँ, समरसेबल में नहा सकता हूँ और पानी भर के नहा सकता हूँ, लेकिन मैं आप सभी को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था जो चीज़ें अभी पिछड़ी हुई हैं आज भी, ठीक है ना, तो उनका जो पिछड़ी हुई चीज़ें हैं वही चीज़ें अवध से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अपना अवध क्षेत्र जो है अगर सौंदर्यता की माना जाए और प्रकृति का माना जाए तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आने के बाद आपको लगेगा वाकई में प्रकृति सुंदर है। स्कूल जाता थोड़े सा कि ना जाते, झूठ ना बोले जाते, बड़े मन लगा था, बहुत बढ़िया, जय हिंद बोला, भारत माता की, अंग्रेजी आवत है का होत है, एप्पल माने का होत है, एप्पल माने एलिफेंट माने, एलिफेंट माने, एलिफेंट माने छगड़ी, एलिफेंट छगड़ी नहीं आती, रिवर माने क्या होता है, रिवर में जिसमें नहा रहे उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताओ, पानी है, अंग्रेजी में पानी कहते हैं सब, पानी पानी नहीं पानी, नदी होता है, पानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कौन है स्कूल में पढ़ते है? नहीं जगह ही नाम बतावा स्कूल का है, कनखुरा स्कूल प्राइमरी, कनखुरा प्राइमरी स्कूल है भैया, देखा लड़कन का शिक्षा का स्तर और ये सब देखा कौन हिसाब से पढ़ता है। चला एकदम जैसे बोले, भारत माता की जय, जय निषाद राज की जय।